गते को इन सीता रावकला उड़ीसा और इन सानी ब्लगरे आप जेत सगुन दाराम हेलो दोस्तों वेलकम टू दो सानी ब्लॉग सो गाते हैं सकुलेंट विषय लैपे चे से इजी आ ग्रो लगिर आर चलते डिफिकल्ट सोना विषय लै आप पे सो शकुलेंड जो की मेरे यहां पर एक बार मैंने बाय कर ली तो बहुत कम जो की जो सब हाड़ी नहीं रहते सो वो सब खराब हो जाते यानी कि बहुत एक एकका दुक्का खराब होते बाकी बाद मेरे चलते हैं सो so, खराबा को खराब आता है ना को। क्योंकि मुझे इनके ऊपर यानी कि इनको कैसा लोकेशन पसंद है कौन सा फर्टिलाइजर पसंद है और कैसा सोयल मिक्स पसंद है और सब मैंने इनके बारे में जान ली हूँ सो so, इन हो मांग जहाँ चाहिए उनको को बाय लटके सो so, पहले मुझे भी डिफिकल्ट लगता था इनको ग्रो करना पर ये लोग जब मुझे पता चला है इनको क्या पसंद है क्या नहीं सो so, बहुत इजी हो गया सो so, उनका जीनिस के ना माने आप अगर गार्डन गार्डनिंग करते हैं अगर आपको सकुलेंट पसंद है तो आप सकुलेंट बाइक कर सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको शेयर करूंगी जिससे आपकी सकुलेंट ग्रो करने के लिए इजी होगा, सो इनको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ सकुलेंट को सकुलेंट के बारे में क्योंकि इनको जितना आप फर्टिलाइजर देंगे उतना इनके लिए खराब होगा सो so, इनको बहुत कम यानी कि मैं इनको ये साल में शायद दो या तीन बार मैं फर्टिलाइजर देती हूँ उससे ज्यादा नहीं क्योंकि इनको बिना फर्टिलाइजर दे के भी आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं हम जितना इनका केयर करेंगे उतना जल्दी हमारे गार्डन से ये सब खराब हो जाएंगे सो इजी इसलिए है क्योंकि ये लोग इनको ना ही ज्यादा केयर चाहिए ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए ना ही ज्यादा वाटर चाहिए और इनको अब यानी कि लोकेशन भी ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं आप एक बार अगर किसी लोकेशन आप इनका सेट कर दिए हो सो उसी लोकेशन में ही समर विंटर या मॉनसून सभी में उसी लोकेशन में ही बहुत अच्छी तरह रहेंगे और खराब नहीं होंगे सो so, उनका अगे मिट्टा जगह उनका गया पे, सेट पे नकू खान जे की नकुता है ना को सो so, सभी सेकुल के नाम मुझे पता नहीं है पर जो जो कलेक्शन मेरे पास नहीं है पर मैं उनको बाय करती हूँ सो so, हमारे इधर उतना वैरायटी नहीं मिलता है पर फिर भी मैं देखती हूँ कौन सा मेरे पास नहीं है तो मैं उन सबको ले लेती हूँ और जो सब है मैं उन सबको नहीं बाय करती हूँ सो so, एक सेकुलेंट से मैंने बहुत सारे सेकुलेंट बना ली जैसे कि मेरे पास जगह उतना नहीं है तो कितने सारे लिप्स भी मैं फेंक देती हूँ क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए और रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है आप जितना इनको फर्टिलाइजर नहीं देंगे यानी कि साल में आप तीन बार या तो दो बार ही देंगे उतना ही बहुत काफी है और इसका सोयल मिक्स कैसे बनाना है जो कि वो मेरे यूट्यूब चैनल में है आप उसको देख सकते हैं सो अडी so, मानने केयर बाय दरकारा नहीं के आप पे जो गार्डनिंग सनाट पे जो शकुलैंड सना पे आप अगर लेजी गार्डनिंग करना पे आपको यानी कि खूबसूरत प्लांट चाहिए फ्लावर फ्लावर आप लगाते हैं तो उनके लिए खाद वाद या तो उनको यानी कि रेगुलर खाद एम हुए रेगुलर केयर दरकारा आते सकुलेंट को जो कि रेगुलर केयर नहीं चाहिए आप अगर विगनर है तो आप इनको सिरामिक पॉड या तो प्लास्टिक के पॉड में इनको ग्रो ना करें आप इनको मिट्टी का पॉट प्रोवाइड करे वो इनके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिट होता है यानी बेस अनुकूल के और जहाँ को रेगुलर ग्रो इत कु और बढ़ाए आप उनको विषय रे सीरा पॉट रे हो रो दया कुछ प्लास्टिक पॉड रहे हो सो मुझे इनके यानी कि कंडीशन मुझे पता चल चुका है सो इसलिए मैं इनको प्लास्टिक के पॉट में भी ग्रो करती हूँ जो कि बहुत अच्छे चलते उतना अच्छा नहीं जितना कि मिट्टी के पॉट में और ये वाले सब बहुत अच्छी वैरायटी हैं और हाड़ी वैरायटी है सो तो एचिवीरिया ये जो कि ये सबसे हाड़ी है जो भी बिगनर अगर बाय करना चाहते हैं इसको पहले बाय कीजिए और इसकी अगर आपने केयर कर ली तो आप सभी सकुलेंट को देख सकते हैं या तो उनको ये क्या आप चिलका उनको कुछ आपको चिलका बांगा और इनकी सोयल मिक्स में आप ज्यादातर सैंड मिलाइए यानी कि सब कुछ 50 50 मिलाना है ज्यादा डिफिकल्ट सोयल में नहीं बनाती हूँ यानी कंपोस्ट अगर है तो कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं या तो पत्तों की खाद जो कि मैं पत्तों की खाद ऐड कर देती हूँ अगर पत्तों की खाद खत्म हो जाती है तो कंपोस्ट भी ऐड करती हूँ जो कि इसी साल कंपोस्ट में ऐड की हूँ बना में लिप कंपोस्ट बनाती हूँ जहाँ चीज समर रहेगी इन लिप कंपोस्ट बना और और रहेगी ग्रो कोई जो कि तब मेरे पास सर्कुलेंट थोड़ा कम थे तो जबकि अब लिप कंपोस्ट भी मेरे पास कम पड़ जा रहा है तो इसलिए मैं कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट यूज कर लेती हूँ सो तो सभी का यानी कि फिफ्टी फिफ्टी लेना है लिप कम्पोस्ट या तो बर्मी कंपोस्ट मिट भाग ओना ही दीपे मिट भाग दी पे और सोयल अगर आप सोयल में नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो कोकोपीड़ आप ऐड कर सकते हैं पर कोकोपीड में आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है सो तो इन बन ध्यान सो तो इन चौड़ा क्योंकि मुझे पता है मेरा सोयल मिक्स कैसा है सो तो मैं इनको समर में ज्यादातर नहला देती हूँ तो मिस्टिंग सो so, जहाँ चल कर इन गार्डनिंग उनका के को अड़ी। इनको मिस्टिंग करना बहुत पसंद है सो so, थोड़ा नहीं आप जब भी पानी देते हैं इनको यानी कि पूरा सावरिंग कर कर देना है जैसे हम बड़े प्लांट को जैसे सावरिंग करते हैं उसी तरह सो so, इनको मैं तीन दिन में एक बार सावरिंग कर देती हूँ समर में और मॉन और विंटर में चार पांच दिन के बाद सो so, इनकी मिक्स मिक्सल देख के मैं सावरिंग करती हूँ वरना सॉइल अगर गीली है तो मैं नहीं देती हूँ और ड्राई है तो उनका अमा कोई और ज़्यादा तो मैं फर्टिलाइज देती नहीं और डिफिकल्ट ये, ये क्यों है क्योंकि हम इनको ज़्यादा केयर करते हैं सो so, जैसे ही इनका विंटर खत्म हुआ हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इनको यानि कि लोकेशन हम कंटिन्यूसली चेंज करते हैं सो so, इसलिए ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं और इनकी यानी कि ओवर ओवर केयर कर लेते हैं इनके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सो so, इसलिए ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं so, सोना लेकिन नुकू को माने जस्ती केयर बाय दौर कर आप माने नुको को आड़ा गिरी का इनको जैसे भी आप छोड़ दीजिए इनको ज्यादा केयर की के जरूरत नहीं है और समर में इनको तो फटा आप दीजिए हिम्मत मैं जैसे बिल्कुल नहीं देती हूँ सो उसी तरह ये प्लान आपका चल जाएगा और इसका ये विंटर स्टार्ट होते ही इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और समर में उतना ग्रोथ नहीं होता है पर चलता है सो उनका ये आपके माने दारे ध्यान धो मैंने और लोकेशन इनको यानी कि आपने विंटर में जैसे लोकेशन दी है उसी लोकेशन में इनको रखना है लोकेशन जितना चेंज करेंगे उतना इनके लिए खराब होगा तो लगे लोकेशन जस्टी पे चेंज और ये ज्यादा फर्टिलाइजर तो नहीं मांगते हैं सो तो इसलिए आपको ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं करना और इन सबको यानी कि आपको लिप्स को चेक करना है आप बार बार लिप्स को चेक कीजिए क्योंकि जब भी आप पानी देते हैं या तो कुछ क्योंकि ये थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं या तो ओवर वाटरिंग के लिए या तो वाटरिंग कम होने की वजह से भी इनके लिप्स सब नर्म हो जाते हैं सो तो सिकुड़ से जाते हैं सो तो ओना लगेंगे सो अगर सोयल तापे ड्राई गया तो इन रहे नरम गया तो फिर दो दाग बनू अगर दा दरकारा और जदि दाद जस्ती मानी हासाता पे अदा गया इनह नरम गा यानी कि आपे ओवर वाटरिंग पे सोना जिनिस ध्यान दो पे और तला रे माने तलाारे मानी फांगी सैड दाग्रेक जहाँ चुना दी बी क्रोक काो इनमें कुछ कीड़ा वेड़ा कुछ नहीं लगता है यानी कि मेरे मेरे जितने ग्रो क्यों कुछ में भी कुछ कीड़ा वेड़ा नहीं है क्योंकि मैं इनको ज्यादा केयर नहीं करती इसे छोड़ देती हूँ सोना चे रो माने ना ही ये मिली वर्स ना ही करना चे जितने बेस की ग्रोथ दिया सिर्फ ओवर वाटरिंग जो कि लिप प्रोपोगेट करती हूँ सो तो इनमें थोड़ा सा लिप्स थोड़ा सा यानी कि खराब हो जा हो जाते हैं जो कि मैं इनको ट्रे इसमें मैं ड्रेनेज होल नहीं बनाई हूँ सो तो इसलिए इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है सो तो इसके लिए ड्रेनेज होल तो बहुत अच्छी बनानी है और सॉयल मिक्स बहुत अच्छी बनानी है वेल ड्रेन बनाना है और नुको को नवा एड़ा कर को सोनाल की नोड़े धोवा कर कोई को नूको मैंने हुआ वेराइटी को सो न्यूली मैं इन नुको बैद कोई सो नी तो रिपोर्ट कोई सो मुझे रिपोर्टिंग में कंटिन्यूसली करती रहती हूँ सो ठीक है कोई को चलका दोसा चलता सोल मिक्स तो इंडियन इन खराब बात सो ठीक है तहना को को नी तो माने दारे लातार दोक अगर आपके पास जगह नहीं है सो तो आप बड़े प्लांट के नीचे रखिए जिसमें इनको आधे घंटे की सनलाइट पड़े जगह जगार पे खान बेसा और सीरामिक पॉट तो न्यू बिगिनर आप यूज ना करें उसमें ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगी प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी और प्लांट आपका सड़ जाएगा जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा सो तो ना लगे कि जो दिया आपे रोहे आप रोए सना पे नसा पौटर के रोये पे खान बेसा और उन्होंने जहाँ से रोज से वेरायटी करना और इसमें बहुत अच्छी अच्छी वेरायटिया आते हैं अगर किसी को यानी रावर कलाम है आपको सेकुलर चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो तो इंस्टाग्राम आई डी आप इन कॉन्टैक्ट दिए यहाँ पे जो आपके दरकारा सो अगर मेरे पास वो प्लांट होगा तो मैं आपको दूंगी सो चेन बान आश प्लांट कर नु यहाँ ग्रोथ अड़ी बेसा जो कि इसको मैंने इसी साल इस हैंगिंग पॉट में लगाए और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है सो ये एच वी रे का ना सॉरी सीडम है जो अड़ी चेहरा है और रे कम ना सो इसकी यानी ये सबसे हाड़ी वाली वेराइटी है जो भी बिगने इसको भी लगा सकते हैं और ये जो कि इसको भी मैं इसी साल ऐड की जेलेबिन और बहुत अच्छी चल रही है और देखिए मैंने इसको लगाने के बाद इसकी लिप्स भी मैं ऐसे रख देती हूँ मल्टीप्लाई आपको करते रहना है और नूनी रोज वेराइटी चाहे नूनी हो सो ये प्लांट मेरे पास दो ही है जो कि मांग बोर्स लास्ट ईयर का है बहुत अच्छी है और इसके धीरे धीरे देर करके इसके लिप्स गिरते जाएंगे ऊपर रोज से तहना रहा तक और तेजेंगे ब्लग्रेगी ब्लॉक जुड़ी कुश्चना पे तो लाइक पे शेयर पे साब्स जुदा पास टाइम साइब आलोपे हिड़ी सब्सक्राइब तरह पे नॉ निकेगी हूँ हूँ टीप्स आप से करें